हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय नेम इज मोकेन एंड वेलकम टू मोकेन ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग है अरुणाचल प्रदेश टू नेपाल जाने का। गाइस, अभी हम लोग पहुंचा है एपोमोई का घर में। जाने से पहले यहाँ पे हम लोग को डिनर करने के लिए बोला है और ट्रेन का समय है 9 बजे, इसीलिए अभी हम लोग खाना खा के जाएगा। आकांक्षा बाबा भी तैयार हो गया है, रेडी। आप लोग खाना क्या क्या हम बना दिया देखिए। हाँ, तुम लोग जाना, हाथ से बनाया चिकन ग्रेवी। थैंक यू सो मच आबो। ठीक है, ये साउथ इंडियन चिकन जैसा है ग्रेवी। सादा दाल है, कुछ भी एडेड नहीं है, ओनली टमाटो फ्रेश एंड हाफ फ्रेश टमाटो विद द दाल एंड नमक बस, और कुछ भी नहीं। दिस इज बूंदी रायता। देखो बूंदी है ना। ये स्पेशली जो खीर है ये चावल का पाउडर से बनाते हैं। ये एक्चुअली उड़ीसा में फेमस है, उड़ीसा स्टाइल से राइस है। आज तक हम कितना साल हो गया खीर जब भी खाता है, अब हाथ से खाया होगा है ना खीर, कितना साल से दिया तो इतना हंगामा। वाओ, अपना चिकन उठा, देखो इतना सुंदर से सजा के दिया है, अब चपकाते हैं। यहाँ देखो खीर, ये है खीर, अभी मैं खाने वाली हूँ। ओके, अब मिलते हैं। हमारा घर में से फर्स्ट दिवाली सजावट मूसा जी का। हम लोग खाना ये सब खा के जा रहे हैं। बाय आबो। ये है नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश का रेलवे स्टेशन। देखो ट्रेन का हवा, ट्रेन का हवा, धुआं निकल रहा है वहां में। आज पार्किंग अवेलेबल है। पहुंचाने आया है अजीत तुतू, क्रिश मोरियन पहुंचाने आया है एपोमोई दोनों। अब उस दिन गया तो मुंबई, आजमगढ़, यूपी का जाके आया है। अभी ये देखो आकांक्षा के साथ जाएगा बोल रहा है, कुछ भी रेडी नहीं है। आप कैसे बहन को पाए नहीं। यहाँ है ट्रेन, अभी तक हम लोग का नहीं मिला है ट्रेन कौन सा जाएगा। पैसेंजर बहुत सारा है देखिए। फिर वहां भी ये, मतलब ये पूरा ट्रेन घूम लिया, आखिर में मिल गया इधर जहां हमारा सामान है। हम लोग इधर वेट कर रहा था और एंट्री वहां से अच्छी तो अच्छी तो अच्छी तू तो मम्मी और तू चला गया, हम लोग ही रह गया। पैसेंजर और भी आना शुरू हो गया है, 9:30 का समय दिया है अभी। हम लोग सारे रात को पहुंचा था, उस वक्त हम लोग सिर्फ जा रहे जैसे था। अभी देखो इतना भीड़ हो गया, पैसेंजर इतना सारा आ गया। यहाँ पे दोईमुख से फैमिली बिहार जा रहा है। पहुंचते ही देखो नाम निकली नहीं बोलेगा। 9:30 अभी हुआ है, 9:20 को ये दरवाजा खोल दिया था, 5 मिनट हुआ है अभी अभी। उसे काले वाला मोबाइल दो चार्ज करके रख दिया। ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया, हम लोग को नींद भी लग गया तो अभी हम लोग सो जाएंगे। कल मिलते हैं सिलीगुड़ी 10 बजे। सुबह का 8:30 बज रहे है ना। बाहर का नजारा ऐसे। आकांक्षा कितना बजे उठा था, आकांक्षा बोलो तो। आकांक्षा उठी है 7:30, बाबा हम दोनों 7:00 बजे।
ब्रेकफास्ट। आप ये एप्पल खाओ तो आपका ख़त्म नहीं करने से अम्मा भी खाएगा। पहले क्या खाए? चिप्स। अभी 10 बज रहे हैं, ट्रेन लेट हो गया 3 घंटा, और मेरा साथ कौन कौन है? सबसे पहले आकांक्षा, वो नीचे सामने में एक ब्रदर बेटा है, स्पेनिश वाइफ, ऊपर में भाई के ऊपर में माँ बेटी, यहाँ पे भी सब अपने फोन में बिजी है। के ऊपर में ये येलो पहनने वाला अभी इसको छोड़ेगा ही नहीं, पैसेंजर चाहिए इसलिए उसका भी आज 12 मिल जाएगा, इसलिए वो भी ढूंढ ढूंढ के हम लोग को ही मिला है। देखते हैं अभी इसके साथ जाते हैं किसी और के साथ। सीरीज भी उतर से जाना है, ये स्टेशन ट्रेन वेट करने वाला। हम लोग वहाँ से आया है, दो ट्रॉली आकांक्षा बाबा कैरी करके आ रहे हैं। हम भी बुक रहे हैं, एक बैग है मेरे पास। ट्रेन से उधर से इतने ही आपको इतना भाड़ा गाड़ी मिल जाएगा। एक भैया को मिला है पहले का, उसमें नहीं जा रहा है, उसका अभी टैक्सी में जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं। टैक्सी का मालिक खुद हम लोग को ढूंढ के लेके आता है। बाप रे ऑटो, ये देखिए कितना भाड़ा गाड़ी है। मतलब स्टेशन का सामने बना रहा है ना, जगह पूरा बना रहा है ना भैया, इसीलिए अलग ही दिख रहा है, पहले जैसा है ही नहीं। चारों फिर आपको 2 साल के बाद फिर भी नजर अलग हो जाएगा। हाँ, अभी डिजिटल हो जाएगा, वही तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी फिर कलर हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। बड़ा बड़ा होगा फिर इंडिया में, ये क्योंकि 2 नंबर में आ जाएगा। 2 साल आगे में 800 या 1000 में उधर तक पहुंचा देता था बॉर्डर में, भैया ने आज कम करके 1500 कर दिया। वो जो है वो डाउन वाला जो नेपाल का गाड़ी है ना, नेपाल का गाड़ी था, 1 बजे के बाद ही नेपाल का गाड़ी आएगा, थोड़ हो जाएगा कम। ठीक है, अभी ठीक 12:20 हो रहा है, 1 घंटा पकड़ के रखे, लेकिन 1 घंटा नहीं लगेगा। भैया ने 1 घंटा नहीं लगेगा बोला है, पकड़ के रखिए बोला है। ठीक है, भूख लग गया इसीलिए पूछे हैं समय। चेकिंग हो रहा है, बॉर्डर का ब्रिज है ना भैया, वहाँ पे देखिए टैक्सी ऑटो, जैसे हम लोग उधर ऑटो बोलते हैं, तो लाइन लाइन टैक्सी पे जाते से नहीं दिख रहा है। ये दो रास्ता है बॉर्डर का, पहले अलग था है। जब हम लोग आया था आकांक्षा जो का कितना 2 साल में, तब ये ब्रिज बन रहा था, ऐसे देखिए सुंदर वाला ब्रिज बना दिया। अभी नेपाल का गेट है ना आगे, भैया का गाड़ी है और वो यही का है, तो हम पूछताछ उससे कर रहा है। इतना ऊंचा लगा था, प्लेन हो गया जैसे। वो नीचे वाला है ना। ओ सुंदर से बना दिया, कंशस हो गया इसलिए बेबे कर रहा है, उसको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। अगर चाहिए हाथ थोड़ा सा ऐसे करो तो। हाँ, गाड़ी मिला है, ये भाई और अंकल हम लोग को रूम तक पहुँचेगा। ये देखिए ऐसे बॉर्डर खोल दिया,
दूसरा वाला चप्पल खोल दो। सीधे काउंटर में एयरपोर्ट का रास्ता हमें ले जा रहे हैं यहाँ से, बाद में यहाँ से जाएगा ना। अभी कहाँ जा रहा है? हम लोग अभी तेरे कागर बित्ता में और एक रूम लिया है, देखो पहुंचते ही मामा यहाँ तो ऐसे लेते हैं। बहुत थक गया, भूख भी लग गया, बोला अभी खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। शाम का 4 बजे हम लोग हेटोरा के लिए निकलेगा, नेपाल हेटोरा। अभी नहा धो के फ्रेश होके हम लोग बैठेंगे। आकांक्षा चिंता मत करो, खाना आ रहे हैं। हाँ, नहा धो के अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग गया। हमने एपमोय का घर में खाना खाया है, वहाँ में जाते समय अबो ने दिया है ये इस एम्ब्लो, इसमें पैसा डाल के दिया है, 5000 दिया है, यहाँ पे 5000 है। इसको मैं चेंज नहीं करूँगी वहाँ पे जाके, ये भी चलेगा ऐसे ले जाएगा, बाकी को चेंज कर रहा है, इसको चेंज नहीं कर रहा है। गाइस अभी भी बॉर्डर में, यहाँ में काकर बित्ता में नेट चल रहा है, अभी भी वीडियो देख रहे हैं हम लोग, सिम चेंज नहीं किया है, थोड़ी देर में सिम भी चेंज हो जाएगा। हमारा पैसा चेंज हो के आ गया है, ये 1000 का नोट है, इसमें हाथी भी है, लिखा 1000 है, इस तरफ भी 1000, ये 5 रुपीस, ये 10 रुपीस, 100 रुपीस। इंडियन पैसा से 1000 का 1600 दिया है और 10 रुपीस का 16 रुपीस। मेरा पैसा चेंज होके आ गया है। ये है हमारा बस, नाम भी लिखा हुआ है, आकांक्षा और उसका पापा अंदर चला गया, अभी हम भी जाएगा। 4 बज गया है, गाड़ी चलना अभी स्टार्ट हो रहा है। हम दोनों यहाँ में हैं, नहीं लग गया बाबा का सीट पीछे में। आकांक्षा चेक करने के लिए कोशिश कर रहे, रास्ता प्लेन मिलेगा, बाहर थोड़ा भी नहीं होगा, तो अभी मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। आठ बजने के लिए 15 मिनट हो गया, हम लोग का गाड़ी अभी तक ऐसे बैठा हुआ है। शाम तरफ को बस एक्सीडेंट में पोता और दादाजी दोनों गुजर गया बोला है, दोनों साइकिल से जा रहा था घूमने तो उसमें लग गया बोला है। अब पुलिस जाने देगा तभी हम लोग जा पाएगा, नहीं तो सुबह तक भी बैठना होने से बैठना पड़ेगा। पाँच ही बज गया अभी सुबह का, अब भी पहुँचा। ये है हेटोरा का बस पार्क, 24 आवर्स खुला रहता है। ये देखो सुबह सुबह माला रोटी लेके आया है, आकांक्षा नींद में है। दुकान से बात करना शुरू, ये पूरा एरिया बस पार्क है, नीचे तक है। जब दिन में आऊंगी तो दिखाऊंगी आप सबको, अभी ये ऑटो है, हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग घर पहुंच गया है सेफली, बहुत अच्छे से, और घर का थोड़ा काम करेगा, घर में भी प्रॉब्लम हो रहा है वो बाद में बताऊंगी, और मैं हेटोरा क्यों आई हूँ नेपाल वो भी बाद में बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो गाइज 3 दिन
ब्लॉग बनाना बहुत तकलीफ हुआ है, फिर भी रास्ता में कैमरा में देखने से अच्छे से दिखाई जैसे है, फिर भी बहुत तकलीफ हुआ है। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी हेटोरा नेपाल का ही होगा ये घर का, तब तक के लिए बाय बाय।